हेलो गाइज, नमस्कार सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनजानी सफ़र। आज मैं आ गई हूँ और एक वीडियो के साथ। टुडे वी गोना मेक अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑफ मधुसूदन लाइब्रेरी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी के लाइब्रेरी, कटक के सैलवाला कॉलेज के पास है। इधर होने का रीज़न ये है कि पहला तो सैलवाला जी के पिताजी थे मधुसूदन दास जी, और मधु बाबू पहले से ही नारी शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो उस वजह से उनके लाइब्रेरी को उनके बेटे के कॉलेज के पास बनाए हैं। और ये लाइब्रेरी का बाहरी हिस्सा है। उनके स्मृति को संभाल कर रखने के लिए ओडिशा सरकार सैलवाला कॉलेज के पास 28 अप्रैल 2007 को मधुसूदन लाइब्रेरी का स्थापना किए थे। मधु बाबू सन 1848 अप्रैल 28 को कटक जिला के सत्यभामपुर ग्राम में जन्म ग्रहण किए थे। वे उड़ीसा के पहले स्नातकधारी, पहला एमए और उड़ीसा के पहला विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। उस वजह से उनको उत्कल के गौरव माना जाता है। मधुसूदन दास जी को सब रेस्पेक्ट और प्यार से मधु बाबू कह के बुलाते थे। और ये एंट्रेंस के पास ही कुछ टेबल उनके फोटोज़ वगैरह रखा गया है जो कि मधु बाबू के हैं। ये मधु बाबू के घर पे इस्तेमाल किया जाता था मिट्टी का घड़ा और बक्सा, और उनका एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का कुछ सामान भी है इधर। और ये मधु बाबू के बचपन के फोटोज। और ये खूबसूरत से कांच के ग्लास, मार्बल्स के चाय के कप सेट, पतीले, चम्मच पीतल के, और भी बहुत सारे सेट हैं। और ये पानी रखा जाता था, उस ज़माने में ऐसा ही कुछ फिल्टर था जिस पे पानी रखा जाता था। और ये हिरण के सिंग से बना हुआ होम डेकोरेशन सामान है एक। और ये मधु बाबू के पलंग है जिसपे मधु बाबू सोते थे। और ये है उस जमाने के शीशे के औषधियों के बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स। और ये मधु बाबू के टोपी, कुछ कपड़े और कुछ सामान हैं जो कि वो घुड़सवारी के टाइम इस्तेमाल करते थे। और ये कुछ लेदर के सामान जो कि सैलवाला जी और मधु बाबू के हैं, जो कि उनके फैक्ट्री उत्कल टैनरी से आया हुआ चप्पल और लेदर के बैग्स। ये मधु बाबू के द्वारा लिखी हुई एक कविता है।
और ये मधुबाबू के कुछ सर्टिफिकेट्स, उनके उत्कल टैनरी के सर्टिफिकेट, मधुबाबू के यंग से बचपन के सारे फ़ोटोज़ और उनके अंतिम टाइम के फ़ोटो, उनके समाधि के फ़ोटो और शैलवाला देवी जी के कुछ फ़ोटो, उनके विदेश यात्रा के फ़ोटोज़ भी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।